हमें पता है वो क्या है। अगर हम बी टी में, ये तो ए टी में है उनकी। अभी तो अल्लाह पाक का फजल हमारे साथ शामिल हो। हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि अपनी पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है अल्लाह के फजल से। जिस वक्त भी चुनाव होंगे, अच्छी मजबूत पार्टी के रंग में हम भी उभर रहे हैं और मुझे लगता है हमारे जो विरोधी हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो चला है और अब वो भी ये मानते हैं कि अपनी पार्टी एक बहुत मजबूत किला है। देखिए, उम्मीद ही है क्योंकि डिलिमिटेशन का एक्सपेक्टेड है कि अब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद उम्मीद है। बाकी अदरवाइज भी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो चलती ही रहती है। ये नहीं है कि ज्वाइनिंग शायद हम खाली इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, हम एक नई जमात है। हमारे लिए तो लोगों में जाना और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, अपनी वो मंशूर पहुँचाना जो हमारा लोगों के तई है, इसलिए हमारा तो ज़्यादा ही। आपने देखा होगा 2020 जब से हम बने, पहले कोविड ने हमें रोका, उसके बाद तो हम दिन ब दिन जोड़ ही रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से 20 के 20 ज़िलों में दफ्तर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। आज अल्लाह के फजल से 5.5-6 लाख से ऊपर मेंबरशिप हुई है। अभी ऑनलाइन आपने देखा है, मेंबरशिप जब शुरू हुई तो 800 पहले दिन में हो गए थे। मुझे लग रहा है जब अब पूरी यूटी में शुरू हो जाएगा तो काफ़ी मेंबर जुड़ रहे हैं। इसके बगैर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। रिसेंटली एक एडवाइजरी निकली थी पुलिस के द्वारा जिसमें कहा गया है जब भी कहीं पे एनकाउंटर हो उस मकान को सीज किया जाएगा। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो गरीब गुरबा है। देखिए, दो चीज़ें हैं, पुलिस ने क्लैरिफाई भी किया। एक तो होता है विलिंगली, एक होता है फोर्सबली। फोर्सबली जहाँ फोर्सबली है मुझे नहीं लगता है, लेकिन हमें भी अपनी जगह समझना है मरता कौन है। मरता भी कश्मीरी है और मारता भी कश्मीरी है। क्या इस बंदूक ने हमें कुछ दिया? ये इस बंदूक ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे फिर हम अभी खाबे गफलत में हैं। इस बंदूक ने हमें अपने नौजवानों को कब्रिस्तान और जिंदान, उसके बिना कुछ नहीं दिया है। मैं अपील करता हूँ अपने नौजवानों से, नहीं आओ इन जज्बाती नारों में। जो हमें बहका रहे हैं वो देखो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सियासी महल इस पे तामीर कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। तो आप अपनी ज़िंदगियाँ संवारो और हम इसलिए हैं कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं कि आपके मसले मसाइल कैसे हल हो। इसे कुछ नहीं निकलना है। दपा कशिर पटन यूता यूता गाश। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद फैसला करना है। अच्छा है जितने उनके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, कम से कम रेस्ट्रिक्टरी चॉइस नहीं होगी, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं इनकी करेगा। और मैं आज फिर बताऊंगा, जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इस यूटी के लोगों की बहबूदी के लिए हो रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि हिस्टोरिकली आपका 370-35 रोज़मर्रा के कामों से। हाँ, सुनवाई जो आज कोई नहीं कर रहा है वो सुनवाई कल होगी। ये लोग अपनी सुनवाई के लिए लोगों को इलेक्ट करेंगे, इनके रोज़मर्रा के काम हो, इनका एजुकेशन बेहतरीन हो, इनका पानी का मसला हल हो, इनका बिजली का मसला हल हो, इनके रोड्स का मसला हल हो, अस्पतालों का मसला हल हो। बाकी ये सब धोखाबाजी है जो वो धोखा दे रहे हैं, जिस भी शक्ल में, कोई पीएजीडी की शक्ल में दे दे वो धोखा है, कोई नेशनल की शक्ल में दे दे धोखा है, कोई पीडीपी की शक्ल में दे दे धोखा है। मैं तो मानता हूँ कि हमें इनका हिसाब अब लेना चाहिए, पिछले 72 साल का इन लोगों से। आज भी किस मुँह से ये जाते हैं लोगों में और फिर बातें कहते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप लोगों को तनकीद का निशाना हमेशा बनाया जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, मगर मिलते कोई और है? देखिए भाई साहब, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर हम इस चीज़ से डरें कि कोई हमें, अल्लाह जानता है हम क्या हैं और जवाब अल्लाह के पास ही है। बाकी यहाँ जो बीजेपी जो कहने वाले हैं हमें पता है वो क्या है। अगर हम बी टीम हैं, ये तो ए टीम हैं उनकी, ये तो ए टीम हैं। और जो नई आपकी यहाँ जमात आ गई तो वो तो खुद कहता है बेचारा मैं बीजेपी से हूँ, संघ परिवार से हूँ, आरएसएस से हूँ, तो इसलिए यहाँ इसमें क्या कहते हो। मैं कहता हूँ मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूँ,
मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच बोलूँगा, सच ही बोलता रहूँगा। थैंक यू सर।